हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना बोल रहा था, फ्रेंड्स, नहीं मेरी ठीक चैनल लग रहा को है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके एक सिटिंग एरिया बनाया है, तो उसी का आज वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सोचा कि उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ, अपने गार्डन का हालचाल बता दूँ कि कौन से फूल खिल रहे हैं और क्या होने वाले हैं। तो देखिए, मुझे लगा था कि ये प्लांट मेरा शायद नहीं लगा है, बस दो ही लगा था, लेकिन देखिए अभी मुझे दो प्लांट यहाँ फिर से दिख गए। तो जब तक बर्ड्स खुलते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि हमारे पास कितने सारे प्लांट हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ना कि सारी मिट्टी सूखी है, कुछ सीड्स डाल दिए हैं, पता नहीं चल रहा कि कौन से सीड्स डाले हैं, लेकिन प्लांट आ रहे हैं। तो चलिए, ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लांट हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए, पूरी मिट्टी सूख गई है, तो आज मैं इसमें सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। तो अगर आप सरसों खली हम कैसे बनाते हैं उसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप देख लेना कि मैं कैसे बना के डालती हूँ, तो आपको मिल जाएगा। तो हमेशा मिट्टी सूखी होनी चाहिए जब भी सरसों खली डालें। तो मैं देखिए, पूरी की पूरी मिट्टी मेरी एकदम सूखी हुई है। तो उसके बाद अभी मैं ये वीडियो बनाने के बाद डालूंगी, तो देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं और कितने प्यारे मेरे प्लांट लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार मैं अपने गार्डन का आपको दिखा दूं 360 डिग्री व्यू। तो अभी फाउंटेन बंद किया है क्योंकि आवाज़ फिर अच्छे से क्लियर नहीं आती है। और मैंने ये देखिए, ये वाली भी मैंने इसमें लगाई है, बहुत प्यारा लगता है ये वाला मैट, बहुत ही सुंदर लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत मेरा विंटर गार्डन और हो गया है। तो पहला तो ऐड मैंने यही किया, और ये देखिए, मैं अगर आपको एक लुक दूँ ना तो देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए मेरा विन, तो देखिए मैट के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए मंदिर भी अच्छी तरह से लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए दिखाते हैं सिटिंग एरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा है सिटिंग एरिया, जो कि मैंने पूरी कबाड़ से जुगाड़ करके बनाया है। और सामने मेरे सारे इंडोर प्लांट्स, क्योंकि ऊपर देखिए शेड है, तो सारे प्लांट्स अच्छी तरह से वहाँ सरवाइव कर रहे हैं और रह रहे हैं। और ये है मेरा सिटिंग एरिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए, तो किससे बनाया है तो आइए दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये थर्मोकोल है, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये पूरी तरह से देख रहे हो, ये थर्मोकोल है, इसी से मैंने बनाया है। और इस पर मेरे पास कर्टन्स थे, तो उस कर्टन्स को इसके ऊपर डाल दिया है। तो ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप बता ही नहीं सकते हो कि ये कर्टन्स लगा हुआ और अंदर में थर्मोकोल है। ऐसे ही करके मैंने तीन बनाए और तीनों वही थर्मोकोल के बने हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास एक मार्बल का टुकड़ा था, ये मेरे पापा के यहाँ था, और ये 30 साल ये मार्बल का टुकड़ा का हो गया है। जब हमारा घर बना था तब भी हमारा ये मार्बल लगा था, और सोचिए 30 साल से ये एग्जैक्ट ऐसे ही पड़ा था किसी कोने में, और ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने एक दिन देखा और मैं मम्मी से बोली कि इसको मैं लेके जा रही हूँ। मम्मी बोली क्या करोगी, बोली कुछ तो करूँगी, 30 साल से ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इस देखिए इसके नीचे मैंने थर्मोकोल लगा दिया। इसके ऊपर चाहती तो कोई कपड़ा डाल सकती थी, नहीं डाला, ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि टेरेस है तो बार बार पानी वानी जाएगा, तो ये काफ़ी हैवी है तो इसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो थर्मोकोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा पानी का, तो इसलिए। तो अभी देखिए, ये थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा है क्योंकि 30 साल पुराना है, तो इसको मैं स्टोन जाके लेकर आऊँगी, मार्बल साफ़ करने वाला, और उससे एक दिन इसको पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यहाँ मैं बैठ गई, और बुद्धा जी उसमें मनी प्लांट लगा हुआ है, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इधर एक मैंने छोटा सा मिनीचर गार्डन तैयार किया है, ये देखिए बुद्धा जी हैं, इधर थोड़ा सा लेडी बर्ड रख दिए हैं, कुछ प्लांट लगा दिए हैं। तो अभी रिसेंटली मैं 4-5 दिन, 1 वीक, हाँ 1 वीक इसका हो गया होगा, तो इसमें और कुछ करूँगी, और थोड़े प्लांट भी और बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये और खूबसूरत लगेगा, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। तो कितना देखिए प्यारा लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी और चाय मेरी बेटी लेकर आ गई, तो यहाँ पे बैठ के आप एक इंजॉय कीजिए, उसकी बात ही अलग है। फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, तो फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, यहाँ बैठ के बच्चों के साथ खेलिए, तो पिकनिक मनाइए, तो कितनी मस्ती रहेगी।
तो मैं बहुत जल्द यहाँ पे पिकनिक वगैरह करूँगी, तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो आप बिल्कुल एकदम यहाँ पे मैं आराम से भी चाय पीऊँगी, गार्डन का काम भी करूँगी। तो देखिए कितना मस्त कबाड़ से जुगाड़ करके मैंने छत पे एक सिटिंग एरिया बना दिया प्यारा सा। प्लांट का मज़ा लीजिए और यहाँ पे बैठिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे आप टेरेस गार्डन पे मेरे पास ज़रूर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। मेरे छत पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ कबाड़ से जुगाड़ ही मिलेगा, मतलब आप जहाँ भी देखिएगा सिर्फ कबाड़ 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 और सिर्फ कबाड़ से जुगाड़ करके मैंने सब कुछ बनाया है। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, तो आप मेरे चैनल पर आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।